enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. एक्टर शाहरुख नहीं बल्कि अक्षय है, ये तो आप जानते ही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शाहरुख का कहना है कि 30 मार खान अगर उन्हें ऑफर भी हुई होती तो भी वो ये फिल्म नहीं करते। तो क्या फारा और शाहरुख की दोस्ती में पड़ गई है दरार? जानते हैं किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। मैं हूँ ना हर बार एक दूसरे को यही कहते रहे शाहरुख और फरहा, मगर अब हो गया है कुछ ऐसा कि खड़ा हो गया है ये सवाल कि मैं हूँ भी या नहीं। फरहा ने मिला लिया शाहरुख के कंपेटिटर अक्की के साथ हाथ। उन्होंने साइन कर लिया है अक्षय कुमार को अपनी आने वाली फिल्म 30 मार खां के लिए। और जब शाहरुख से पूछा गया कि अपनी दोस्त फरहा के इस डिसीजन से वो डिसअपॉइंटेड हैं, तो कुछ ऐसा था किंग खान का रिएक्शन। इट्स परहैप्स नॉट द काइंड ऑफ फिल्म आई वुड पार्टिसिपेट इन, आई हैव हर्ड इट एंड आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ फिल्म दैट फरहा शुड डू एंड शी शुड प्रोड्यूस एंड बट आई डोंट नो आई एम नॉट परहैप्स रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ फिल्म। वेल, एसआरके ने तो साफ कर दिया है कि अगर ये फिल्म उन्हें ऑफर भी होती तब भी वो इसे नहीं करते, बिकॉज इट वॉज नॉट हिज काइंड ऑफ अ रोल। शाहरुख के इस जवाब के पीछे सच्चाई भले ही छिप गई, मगर उनके इमोशंस नहीं छिप पाए। सवाल के पूछे जाने पर शाहरुख की बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए और बॉलीवुड के बादशाह हो गए थोड़े अनकम्फर्टेबल। What would you have to say? See, one thing is I've always, she was here day before, but I always say people don't believe. You see, when we're releasing films, we all say really nice things about each other and we believe it. But I've always talked about my directors, the old ones and the new ones and the ones I may work with now. That, these are nice things to say, but I talk about even Karan, that he doesn't need to be making films with me. These are really great directors and they should go ahead and do cinema in which they need actors who suit the job. कहीं इस अनकंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज के पीछे वो खबरें तो नहीं जो आए दिन फरहा और शाहरुख की दोस्ती में दरार के दावे करती हैं? कितनी सच्चाई है ऐसे दावों में और कितनी खटाई में है इन दोनों की दोस्ती, इस पर खुलासा किया खुद फरहा खान ने, जिन्होंने इसे झूठ बताया। वो कह नहीं सकते। फरहा और शाहरुख की दोस्ती में दरार की खबरें इसलिए भी आ रही है क्योंकि काफी समय से एसआरके फरहा की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए डेट्स नहीं दे रहे और इसी वजह से फरहा को मजबूर होकर अपने पति शिरीष कुंदर की फिल्म 30 मार खान डायरेक्ट I think what she's done is the right thing to do because it's a husband's production. She can't keep on waiting for me, till I get well and do her stuff. And whenever she has a film for me, we'll do it again. But at this point of time, I think what she's done with her film, 30 Mar Khaan, is the best thing that she should have done. लेकिन फरहा के मुताबिक हैप्पी न्यू ईयर की दास्तां तो कुछ और ही है। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा होगा। हैप्पी न्यू ईयर की स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं थी मेरे पास। वेल, अगर नोटिस किया जाए तो शाहरुख और फरहा दोनों की ही बातों में एक डिस्कनेक्ट है। इतना ही नहीं, जब करण जौहर ने अपने खास दोस्तों के लिए कुर्बान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी तो करण और एसआरके की अच्छी दोस्त फरहा खान वहाँ नहीं पहुँची। अब बस शाहरुख और फरहा एक दूसरे को ये ना कहें तो ही अच्छा है। अपने तो सारे इस किनारे रह गए गायत्री केकर, जूम, मुंबई।